वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव इन दिनों घर और बाहर दोनों मोर्चों पर एक साथ दो दो जंग लड़ रहे हैं। एक तरफ बिहार विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी को जीत दिलानी है, तो दूसरी तरफ अपने दोनों बेटों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच जारी गृह कलह को शांत कराना है। ऐसे में लालू यादव दोनों बेटों के लिए अलग अलग नीति बना रहे हैं। क्या है वो नीति, आइए जानते हैं। उपचुनाव की चुनौती से कैसे निपटा जाता है, इसमें लालू यादव को महारत हासिल है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उनके घर पर दोनों बेटों के बीच बनी दूरियों को पाटने की है। लालू प्रसाद यादव जब से पटना पहुंचे हैं, तब से वे परिवार के झगड़े को शांत करने की कोशिश में जुटे हैं। 28 अक्टूबर को लालू यादव ने छोटे बेटे तेजस्वी यादव के साथ तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव की रैलियों में मंच साझा किया। यहाँ तक कि मंच पर तेजस्वी बुजुर्ग पिता के लिए सहारा बनते भी दिखे। वहीं रैलियों से लौटने के बाद लालू यादव देर शाम बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनते देखे गए। इस दौरान राबड़ी देवी भी वहां मौजूद रहीं। एक ही दिन में लालू यादव की दो तस्वीरें राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि छोटे बेटे तेजस्वी यादव के साथ चुनावी मंच साझा और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ अपने आवास पर जनसुनवाई, इन दो तस्वीरों के जरिए लालू यादव परिवार और पार्टी को क्या संदेश देना चाहते हैं। पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी के साथ जनसुनवाई की तस्वीर ट्वीट करने से पहले तेज प्रताप यादव ने एक दूसरे ट्वीट में तस्वीर के जरिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को कंस बताने की कोशिश की। तस्वीर में भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करते दिख रहे हैं। तेज प्रताप यादव कई रैलियों में खुद को कृष्ण बता चुके हैं। इस तस्वीर के साथ तेज प्रताप यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि उपचुनाव की रैलियों में उन्हें पिता के साथ जाने से जगदानंद सिंह ने रोक दिया। तेज प्रताप यादव के इस आरोप में कितना यकीन किया जाए, ये अलग सवाल है, क्योंकि जब किसी रैली में खुद लालू प्रसाद यादव जा रहे हैं तो ऐसे में पार्टी का कोई दूसरा नेता तय करे कि कौन उसमें जाएगा कौन नहीं, ये बात कुछ हजम नहीं होती है। साथ ही ये भी सभी जानते हैं कि आरजेडी में लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव ही वो नेता हैं जिनकी बातें पार्टी में सर्वमान्य होती हैं। ऐसे में तेज प्रताप यादव का ये आरोप जगदानंद सिंह के बहाने किस पर किया गया है, ये भी समझा जा सकता है। जिस दिन लालू प्रसाद यादव पटना आए थे, उस दिन तेज प्रताप यादव को मां राबड़ी देवी के आवास पर घुसने नहीं दिया गया था। तेज प्रताप यादव का आरोप है कि एयरपोर्ट पे भी उन्हें पिता की ठीक से अगवानी करने नहीं दिया गया। इसके बाद तेज प्रताप यादव पिता से मिलने की जिद में अपने आवास पर धरने पर बैठ गए थे। हालांकि तेज प्रताप यादव की इन हरकतों को शांत कराने के लिए लालू यादव खुद चलकर तेज प्रताप यादव के आवास पर पहुंचे थे। उस दौरान भी तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया था कि जगदानंद सिंह की वजह से उनके साथ परिवार में इस तरह का व्यवहार हो रहा है। सवाल उठता है कि क्या जगदानंद सिंह की लालू फैमिली में इतनी हैसियत है कि उनके इशारे पर परिवार के बड़े बेटे को उसकी माँ के आवास पर जाने से और पिता से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तेज प्रताप यादव के इन आरोपों से इस बात का अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि वह जगदानंद सिंह का नाम लेकर भाई तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि किन मजबूरियों में तेज प्रताप यादव छोटे भाई का नाम खुलकर नहीं ले रहे हैं, ये तो परिवार के लोग ही स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव के साथ चुनावी रैली कर और तेज प्रताप यादव के आवास पर जनसुनवाई कर जनता, परिवार और पार्टी सभी को अपने फैसले का इशारा दे दिया है।
लालू फैमिली के इस संकट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और बिहार की राजनीति से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।